ये एक सीक्वेंस दिया गया है हमें √7, रूट अंडर 7 प्लस रूट 7, रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 प्लस रूट 7, ये जो सीक्वेंस दिया गया है इसका हमें लिमिट पॉइंट फाइंड करना होगा। अच्छा, तो इसका लिमिट पॉइंट चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जरूर कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, कन्वर्जेंट है, तो इसीलिए तो इसका लिमिट पॉइंट है, तो इसका कन्वर्जेंट हमें ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा या नहीं वो हमें प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो लिमिट पॉइंट। ओके, अच्छा, फिर भी अगर आप चाहते हो कि इसे कन्वर्जेंट अगर हम प्रूफ करें तो कैसे करें, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इसे मैं आपको दो तरीके से दिखा दूंगा, एंड पहला है कि यहाँ पे आप कुछ ट्रिक यूज करके इसे दिखा दो कि ये कन्वर्जेंट है, एंड दूसरा है फिक्स्ड पॉइंट मेथड। ओके, अच्छा, सबसे पहले हम लिमिट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, पहले कन्वर्जेंट ही दिखा देते हैं, इसके बाद लिमिट पॉइंट फाइंड कर लेंगे। देखो यहाँ पे सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म x1 इक्वल टू क्या दिया गया है, √7, ठीक है, एंड ये क्या है, ये ग्रेटर देन फ्रॉम जीरो है, ये ग्रेटर देन फ्रॉम जीरो, ग्रेटर देन फ्रॉम वन आप लिख सकते हो, अच्छा ठीक है, ग्रेटर देन फ्रॉम जीरो है। तो x2 आपको क्या दिया गया है, x2 दिया गया है रूट अंडर 7 प्लस रूट 7। ओके, अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू, अच्छा देखो, दिस इज लेस देन फ्रॉम रूट 7 प्लस रूट 7, लिख सकते हो ऐसे, इसे हमने दो पार्ट कर दिया, ये क्या होगा, इससे छोटा होगा। ओके, अच्छा, एंड दिस इक्वल्स टू क्या है, 7 √7 मीन्स 7 to the power half प्लस 7 to the power half होल टू द पावर हाफ मीन्स 7 to the power half होल टू द पावर हाफ मीन्स 7 to the power 1/4। ओके, अच्छा, तो रूट x1 इक्वल्स टू √7 हमें दिया गया था, √7 इक्वल्स टू है 7 to the power half। ओके, अच्छा, अब देखो ये जो 7 to the power half है ये ग्रेटर देन 1 तो है ही, ये ग्रेटर देन 2 भी है, तो ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं ऐसा ना। अच्छा, तो एक चीज़ देखो, 7 to the power half ये ग्रेटर देन 1 है, एंड 7 to the power 1/4 ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, अच्छा ग्रेटर देन 1 नहीं, ग्रेटर देन 2 ही लिख देते हैं। अच्छा देखो, अगर कोई भी नंबर ग्रेटर देन 2 है, अगर दो नंबर ए एंड बी, ये दो नंबर अगर दोनों ही ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम जो है ना वो लेस देन होगा ए इन टू बी से। ओके, तो 7 to the power half प्लस 7 to the power 1/4 दिस इज लेस देन फ्रॉम 7 to the power half इंटू 7 to the power 1/4, ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू क्या है, दिस इक्वल्स टू है 7 to the power half प्लस 1/4, 1/4 मीन्स 1/2 square, ठीक है, तो x2 इज लेस देन फ्रॉम 7 to the power half प्लस 1/2 square, ठीक है। तो सिमिलरली आप इसे भी ये भी प्रूफ कर सकते हो कि ये दिखा सकते हो यहाँ से आप x3 इज लेस देन फ्रॉम 7 to the power half प्लस 1/2 square प्लस 1/2 cube। ओके, अच्छा, तो सिमिलरली यहाँ से आपको मिल जाएगा xn इज लेस देन फ्रॉम 7 to the power half प्लस 1/2 square प्लस 1/2 cube प्लस अप टू क्या होगा, 1/2 to the power n होगा, क्योंकि 2 के लिए यहाँ पे 2 हो रहा है, 3 के लिए यहाँ पे 3 हो रहा है, तो n के लिए यहाँ पे n ही होगा। तो ये क्या है, ये एक GP सीरीज है, तो इस GP सीरीज का सम क्या होगा, तो दिस तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, xn इज लेस देन फ्रॉम 7 to the power, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है, हाफ है, इंटू यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2 square को 2 हाफ से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा हाफ, तो हाफ टू द पावर n होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल n टर्म्स है, -1/(-1), ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू 7 to the power half इंटू हाफ माइनस वन करोगे तो आपको मिलेगा -1/2, ठीक है, तो यहाँ से आप -1 को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस हाफ टू द पावर
एन, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो एंड ये हाफ चला गया है। अब जब एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, तो जब आप एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे लिमिट एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज लेस देन फ्रॉम सेवन टू द पावर वन माइनस हाफ टू द पावर इन्फिनिटी मीन्स जीरो, तो वन माइनस जीरो इक्वल्स टू सेवन, ठीक है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर एक्स एन क्या आ रहा है, लेस देन सेवन आ रहा है। अब देखो तो इसका मतलब ये जो सिक्वेंस होगा वो इन्फिनिटी पर टेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ये जो सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी पर टेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट होगा, सॉरी डाइवर्जेंट नहीं कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, यहाँ से आप एक चीज़ आप ये बता सकते हो कि अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्स एन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो रहा है तब भी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेस देन सेवन, ठीक है ना। लेकिन माइनस इन्फिनिटी पे ये टेंड नहीं करेगा क्योंकि एक्स वन हमें बोला गया है एक्स वन इक्वल्स टू है ग्रेटर देन टू रूट सेवन, ठीक है। तो एक्स वन जो है वो क्या है इक्वल्स टू रूट सेवन, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस होगा। एंड और एक चीज़ आप यहाँ से आप देखो ये जो सीक्वेंस है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री यहाँ पे हमें जो मिल रहा है वो क्या है, वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। यहाँ पे हमें जो एक्स टू मिल रहा है एक्स टू इज ग्रेटर देन फ्रॉम एक्स वन, एक्स टू क्या है ये है दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम एक्स वन, एंड एक्स थ्री जो आपको मिलेगा वो भी ग्रेटर देन फ्रॉम एक्स टू आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो एक्स वन इक्वल्स टू है रूट सेवन, तो एक्स वन जो है वो लेस देन होगा फ्रॉम एक्स वन इज लेस देन फ्रॉम एक्स एन, ओके। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म रूट सेवन से छोटा नहीं होगा, इन्फिनिटी तो होगा ही नहीं, माइनस इन्फिनिटी होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है एक्स इस सीक्वेंस का सभी टर्म एक्स वन क्या है रूट टू से बड़ा है, टू से बड़ा होगा एंड इन्फिनिटी से छोटा होगा, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है एक्स एन वो कन्वर्जेंट है, ओके। अच्छा, अब हम फिक्स्ड पॉइंट मेथड से आपको दिखा देते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट कैसे होगा। अच्छा, तो आप देखते हैं दूसरा मेथड फिक्स्ड पॉइंट मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले फिक्स्ड पॉइंट मेथड होता क्या है वो देख लेते हैं। तो फिक्स्ड पॉइंट मेथड होता क्या है, ठीक है। मान लो फाई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये फंक्शन कुछ इस तरह सा है कि एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू फाई एक्स। अब एक्स एन क्या है, एक्स एन एक रियल सीक्वेंस है, ठीक है। फाई एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू अगर फाई एक्स एन है, ठीक है। तो अगर फाई एक्स एन का अगर डेरिवेटिव करोगे फाई डैश एक्स एन, मतलब फाई एक्स एन को अगर आप डेरिवेटिव करोगे एक्स एन के रेस्पेक्ट में, तो ये अगर लेस देन वन आता है तब यहाँ से आप कह सकते हो कि ये जो एक्स एन जो सीक्वेंस होगा दिस इम्प्लाइज ये जो सीक्वेंस है एक्स एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब ये एक्स एन क्या है, एक्स एन यहाँ पे बिलोंग करेगा फॉर ऑल एक्स एन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एक्स वन माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स वन प्लस एप्सिलॉन। एक्स वन क्या है, इस एक्स एन सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है एक्स वन। अच्छा, अगर मान लो कि ये मॉड ऑफ फाई डैश एक्स एन ये अगर ग्रेटर देन वन आ रहा है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एक्स एन सीक्वेंस एक्स एन इज ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, ठीक है। अच्छा, ये फिक्स्ड पॉइंट मेथड से अब इस प्रॉब्लम को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो फिक्स्ड पॉइंट मेथड से दिखाने के लिए क्या करेंगे, फाई एक्स एन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन लेंगे, फाई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन लेंगे एंड एक्स एन एक सीक्वेंस है, तो फाई एक्स एन इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन। अब देखो एक्स एन प्लस वन ये क्या होगा, देखो एक्स वन इक्वल्स टू रूट सेवन, एक्स टू इक्वल्स टू रूट
सेवन प्लस रूट सेवन, अब ये रूट सेवन क्या है, एक्स वन है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है एक्स टू इक्वल्स टू रूट सेवन प्लस रूट सेवन क्या है, एक्स वन, ठीक है। तो सिमिलरली आपको मिलेगा एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू रूट अंडर सेवन प्लस एक्स एन, ओके। तो दिस इज दिस इक्वल्स टू सेवन प्लस एक्स एन, रूट को हम होल टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक्स एन के रेस्पेक्ट में इसे डेरिवेटिव करेंगे तो फाइव डैश एक्स एन, ये हमें क्या मिलेगा, दिस इक्वल्स टू पावर को आगे ले आओ तो हाफ टू हाफ इन टू सेवन प्लस एक्स एन होल टू द पावर हाफ माइनस वन होगा माइनस हाफ, ठीक है। अब ये क्या ग्रेटर देन वन होगा या लेस देन वन होगा, ये कैसे देखना है, देखो एक्स एन इज ग्रेटर देन फ्रॉम टू, एक्स एन इज ग्रेटर देन फ्रॉम टू, आप बोथ साइड पे अगर आप सेवन ऐड करोगे तो सेवन प्लस टू हो जाएगा नाइन, इज लेस देन फ्रॉम एक्स एन प्लस सेवन, ठीक है। अब आप बोथ साइड पे रूट कर दो तो रूट नाइन मीन्स थ्री, तो अब आप इसे पलट दो तो आपको मिलेगा क्या, वन बाई थ्री इज ग्रेटर देन फ्रॉम वन बाई सेवन प्लस सॉरी सेवन प्लस एक्स एन, रूट मीन्स होल टू द पावर हाफ, ओके। अच्छा तो ये वन थर्ड से इट इज दिस इज लेस देन फ्रॉम वन थर्ड, ठीक है, दिस इज लेस देन फ्रॉम वन थर्ड एंड यहाँ पे एक हाफ है तो दिस इक्वल्स टू क्या है वन बाई सिक्स, एंड वन बाई सिक्स क्या है लेस देन वन है, तो इसका मतलब ये जो सिक्वेंस है सॉरी फाइव डैश एक्स एन मॉड फाइव डैश एक्स एन लेस देन वन होगा, तो इसका मतलब एक्स एन जो सिक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका लिमिट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। सपोज एक्स एन का जो लिमिट पॉइंट है वो होगा एल, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल्स टू होगा एल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप बोथ साइड पे अगर आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रूट अंडर सेवन प्लस एक्स एन इक्वल्स टू क्या होगा, देखो एन टेंस टू इन्फिनिटी पर एक्स एन क्या है एल है, तो इसका मतलब एन प्लस वन भी तो एल ही होगा एंड रूट अंडर सेवन प्लस एल, ठीक है। अच्छा, आप बोथ साइड पे स्क्वायर करो, स्क्वायर करने से आपको मिलेगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू सेवन प्लस एल, ओके। एंड अब सभी को लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो एल स्क्वायर माइनस एल माइनस सेवन इक्वल्स टू होगा जीरो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल इक्वल्स टू होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, तो यहाँ पे बी क्या है माइनस वन, तो माइनस बी हो जाएगा प्लस वन प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मीन्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वन माइनस फोर ए सी, तो फोर इंटू ए, ए यहाँ पे क्या है एल स्क्वायर का कोफिशियंट है वन, वन इंटू सी, सी क्या है माइनस वन बाई टू ए, तो टू इंटू एल स्क्वायर का कोफिशियंट वन। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू होगा वन प्लस माइनस रूट अंडर ये हो जाएगा फोर प्लस वन मीन्स फाइव बाई टू, ओके। तो यहाँ से सॉरी यहाँ पे सी क्या है माइनस सेवन है, ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे होगा सेवन इंटू फोर मीन्स ट्वेंटी एट प्लस वन होगा ट्वेंटी नाइन, ओके। तो यहाँ से हमें एल का दो वैल्यू मिल रहा है, एक मिल रहा है वन माइनस वन प्लस रूट अंडर ट्वेंटी नाइन बाई टू एंड दूसरा मिल रहा है वन माइनस रूट अंडर ट्वेंटी नाइन बाई टू। अच्छा, एक्स एन जो सीक्वेंस है वो हमने क्या देखा था, वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। एंड एक्स वन क्या था, एक्स वन का वैल्यू था रूट सेवन जो टू से बड़ा था, एक्स वन इक्वल था रूट सेवन, ओके। अच्छा, तो इसका मतलब इस सीक्वेंस का सभी वैल्यू टू से बड़ा होगा, कोई भी वैल्यू टू से छोटा नहीं होगा, लेकिन ये जो वैल्यू है वन माइनस रूट अंडर ट्वेंटी नाइन बाई टू ये टू लेस देन, ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो ये लेस देन टू है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, तो इसका मतलब एक्स एन सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा ये, तो एल इक्वल्स टू रूट अंडर ट्वेंटी नाइन बाई टू ये होगा इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।